संस्था खत्म हो गया। देखो रात का बहुत हिस्सा गुजर चुका है, आपका ये दर्शन इस्लामी मुआशरा का है। इस्लामी मुआशरा कैसे होगा? इस्लामी मुआशरा में क्या चीजें हैं? हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, बाढ़ी कटाई सर बचर मोट है बढ़ाई इस बदल ना मुर्गी के तरह आधा इधर आधा उधर। क्या मतलब? यानी बाढ़ने में बिल्कुल बाढ़ी नहीं रखते, धर्म तंजला का मैदान रखते हैं और बाद वो भज करके आते हैं तो दाढ़ी रखते हैं तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, आम फकीर के मुताबिक। नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। हमारे नबी ने सदा फसाद के दौर में, कलफसाद के दौर में और ऐसे दौर में तबाहियों के रास्ते से गुजर रही है, ऐसे वक्त में अगर सुन्नत को कोई जिंदा करेगा कौन है? हजरत हाजी का बेटा महाजन मक्का का मथुरा मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, नब्बे साल के करीब हो गए हैं मिसवाक कर रहे हैं। किसी ने पूछा हजरत मिसवाक के दांतों को की जाती है और आपके मुंह में पेट भी दांत नहीं, फरमाया हां नबी की सुन्नत में तो जिंदा नहीं होगा। जरा हाथ उठाओ सब लोग, माशाल्लाह। नबी की सुन्नत क्या है? हमारा खाना इस्लामी हो, हमारा पहनना इस्लामी हो, हमारा चलना इस्लामी हो, हमारा सोना इस्लामी हो, हमारी शादी इस्लामी हो, हमारा अकीदा इस्लामी हो, हमारी कुर्बानी इस्लामी हो, हमारी नमाज इस्लामी हो। आज हमारा नौजवान चलता है हीरो को चला, खाता है हीरो को चला, लटकता है हीरो को चला, पैन शर्ट लगाता है, चश्मा लगाता है, मेकअप करता है, टोपी नहीं अमेरिका का ड्रेस पहन के चलता है, तो हमारे मौलाना आजम साहब को पता ही नहीं चलता वो भाई साहब जा रहे हैं पाकिस्तान जा रहे हैं। मर्द बनो, ऐसा बनो जिस गली से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजर जाते थे, शैतान भी रास्ता छोड़ देता था, वो बच्चे जो खेलते हुए नजर आते थे वो बाहर अपने घरों में घुस जाते थे। कौन है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम नमाज पढ़ते थे गारों में, पहाड़ों में, दफ्तरों में, एक अल्लाह एक और एक लाख परमेश्वर एक परमात्मा को मानने वाले लोग परेशान थे। नमाज गारों में, पहाड़ों में, दफ्तरों में, पथरियों में पढ़ते थे। हजरत उमर ईमान लाए तो कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अरे हम अबू चहल बैठा हुआ है, अबू लहब बैठा हुआ है, उतमा बैठा हुआ है, शैतान बैठा हुआ है, कहा ऐसा जाना मुश्रिकीन अब हम नमाज गारों में, पहाड़ों में, घरों में नहीं पढ़ेंगे, अरे हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह से डरते हैं, न हम देश से डरने वाले, न हम परिवार से डरने वाले, न समुद्र की मौतों से डरने वाले, न पत्थर की चट्टानों से डरने वाले,
जिसको मुकाबला करना हो, अपने बच्चों को यकीन करना हो, अपनी बीवी को बेरोजी का लिबास बनाना हो, आज अंदर से ये मुकाबला कर ले और याद रखे, आज से नमाज बेतुल्ला में होगी और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बेतुल्ला में अमानत करे। मेरे नौजवानों, अपने लिए यार, अपने लिए बनाओ। ये बात बार बार आ रही है कि हमारी बहुत सारी माएं और बहनें यहां पहुंची थी। हमारे नबी ने फरमाया, अब अपने बच्चों को अदब सिखाओ। यकीन मानिए, इस बच्चे को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। इतना छोटा बच्चा है, हाथों से छोटा हो गया। हमारे नबी ने फरमाया, जब कोई बच्चा कुरान खत्म करता है, दुआ करता है, सात हलाल फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सात हलाल फरिश्ते मासूम इतने खुश नसीब है उसके माँ बाप। हमारे नबी ने फरमाया, जब बच्चा मदरसे में जाता है, वो पास सीधे साधे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आरी ओसामा साहब, अल्लाह कितने चीजें हैं बेचारा। बच्चा आया लेके बैठे हमारे नबी ने फरमाया, एक आदमी बच्चा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह की रहमत में जोश आता है, फरमाते जिब्रील अमीन, मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, दबदबे की कसम, रोशनी की कसम, हम क्या पाते सीने की क्या है, आर्मी की है, बीए की क्या है, क्या होगा? ये बच्चा मैं दर्शन में पा रहा हूं, मिटता हूं, उन्होंने में पा रहा हूं, खाई में मदरसे का नाम क्या है, खाई में बाप का इंतकाल हो गया है, बच्चा रोता हुआ जाता है, हाथी को कुरान बाप को खुद दूसूस देता है, कफनाता है, दफनाता है, नमाजे जनाना पढ़ाता है, मिट्टी डालता है, गांव के सारे लोग चले आते हैं, वो कब्र पे खड़ा हो जाता है, क्या कहता है, Yeah.
अरे सुभान अल्लाह, तो बहुत प्रकार के बोलो। हमारे शायद साहब पढ़े थे तो उछल रहे थे, शायद से उछालने वाले भी तो हम ही है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा सवाल। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। देखो अदब कैसे सीखा जाता है। एक बच्चा मदरसे में आया, आप ही ईशान साहब हैं, जलसा हो। बच्चों को छुट्टी देने से पहले जमा किया और कहा, बेटा गांव जा जाना, जो भी मुझे सलाह करना नमाज पढ़ना। अब बच्चा गया घर, घर से कोई भी नहीं जा रहे हैं, क्या करता है? मेरा बेटा मदरसे से पढ़ गया, अम्मी जान का रहा और स्कूल में पढ़ता है तो क्या कहता है? मम्मी ही। क्या कह रहा? मम्मी का मतलब समझते हो? यानी अभी तो मम्मी है और जब दूरी हो जाएगी तो हो जाएगी मेरा मम्मी ही। ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ता है वो कहता है पापा और मम्मा। पापा का क्या मतलब? अभी जब तक पैसा दे रहा है पापा है और जब बूढ़ा हो जाएगा तो पापी है। हमारे कारी साहब संगम से आए, सदरुल्ला कहा है, ये जब नाश्ता करते हैं तो 10-20 पापड़ खा जाते हैं, तो पापा का मतलब तो चाहिए साधा। जो पापा तो कह रहा है ना, ये तुम्हें खाएगा जरा, इसके जवान होने में शादी कर दो तो पता चलेगा। जितने ऑफिसर है, जब ऑफिसर चल रहे थे बाप और माँ को पहले घर से निकाला, लेकिन किसी हाजिर रहने के बारे में तुमने नहीं सुना हुआ। माँ को सलाम करना, आप सलाम किया, बच्चे ने कहा अम्मी जान जरा पानी पिला दीजिए, माँ का दिल भर आया, पहले सीने से लगाया और कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए रसगुल्ला है, पहले रसगुल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, अंगूर खा ले, बाद में पानी पीजिए। ये मदरसे में सिखाया जाता है और स्कूल में जो पढ़ने गए ना, तो लड़कों से पूछा गया माँ का दूसरा नाम क्या? माँ को कहते हैं मम्मी को कहते और नाम क्या? देखो माँ उसको कहते हैं जो बाप की बीवी हुई। अच्छा, अब गया स्कूल से पढ़ जेंटल माइन बन के पानी को चढ़ा मानी कर रहा, क्या कर रहा? अरे जो बाप की बीवी है वही तो माँ है। लहजा यही वजह है। मैं बोला मुबारक, जितने रोगी सदपुत्र जितने डॉक्टर हैं, ये झूठ बोलेंगे, पढ़ने वाले झूठ बनेंगे, जो स्कूल में पढ़ते पुलिस वाले बनेंगे, रिश्वत लेंगे, झूठ खाएंगे। मैं कहा करता हूँ, हुकूमत से मुकाबला करता हूँ, अरे अगर आदमी बनाना है तो इन आदमियों को बनाओ, अगर सरहद पर रखना है तो
पाकिस्तान वालों ने हमें कर दिया, पाकिस्तान वालों के सामने हमें कर गए तो कभी कोई नहीं चला। देखिएगा ये लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, सदा ईमान की नौकरी हिफाजत करते रहते हैं, सुसाजी जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, और हवा भी उनके चक्के घर से आ रही है, दिए हुए रोशनी में जो सलाम करते रहते हैं। बच्चे बीमार होंगे, जवान बीमार होंगे, बूढ़े बीमार होंगे, बेटे बीमार होंगे, बेटियां बीमार होंगी। बताओ कुरान पढ़ोगे या गाने गाओगे? मोबाइलों में गाने नहीं, नबी की नात रखो। हम हिंदुस्तान घर में जाते हैं, इस मार्ग पे बैठने पर बंद करो, यही बैठूंगा और ये गाने बंद करो, बुरा नहीं चलता। लेकिन मुसलमान, एक मुसलमान की मारुति पर बैठो कहेगा क्या? ऊपर जाइए, ये तो मेरा कारोबार है। एक हिंदू बात मान रहा है और आज एक मुसलमान बात मानने को तैयार है। हम मुस्लिम हैं, हम नबी के चाहिए से शुरू है, हम नबी की सुन्नतों से शुरू है, इस वजह से हम आए आपने पूरी दुनिया में हालात आ रहे हैं। खुदा साहब की कसम, अगर हम एक बन जाए, एक बन जाए तो दुनिया का कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकते। लेकिन क्या है, अगर 500 वर्ष गांव है तो 5 जगह तकसीम है, हर मोहल्ले की पार्टी अलग है, हर घर की पार्टी अलग है, ये शहर है, ये सैयद है, ये दुलाहा है, ये मंसूरी है, भाई भाई हो और फिर आपस में लड़ते हो, एक दूसरे की चीजें करते हो, कुबड़ी करते हो, इंशाल्लाह से बचेंगे। अरे बच्चों भाई भाई, नमाजों की पाबंदी करोगे? बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, देखो मैं इतने मजमे में तकलीफ नहीं करता, लेकिन देखा कि भाई यहाँ लोग सुनने वाले हैं, मैं जल्दी अब खत्म करता हूँ। एक मौलाना एक जगह तकलीफ कर रहे थे, वो एक आदमी को पेशाब लगा, मौलाना बहुत दयालु होकर उसे कहा था भाई बैठ जा, वो आदमी बैठ गया, पेशाब करना शुरू हुआ, दोबारा खड़ा हो गया, मौलाना ने कहा बैठ जा, अब मौलाना की तकलीफ खत्म हुई थी, वो कहा भाई जल्दी चला जा। वो जवान ने कहा हजरत, इस्लाम के लिए मुझे जाना था और यही हो गया, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यही सारा काम आपका हो जाए, इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए बात खत्म कर दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया, हर किबूल सिजदा है तुम वाल के लिए हुजूर कुरान, अपने बच्चों को कुरान सिखलाओ, क्यों सिखलाओ? इसलिए फरमाया कि जिस महल आज दुश्मन इस्लाम मदानी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आज दुश्मन इस्लाम कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग हैं इसमें सबसे? एक घंटे में शुरू होता हूँ, 3 घंटे लेता हूँ, ये बताओ सुबह का कितने लोग मेरी तकलीफ सुनी के जरा हाथ उठा, कम लोग अच्छा माशा
एक आदमी ने कलकत्ता कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया कि कुरान नफरत फैलाता है, कुरान भेदभाव फैलाता है। यही मुस्लिम कौम के नौजवान खड़े हुए और कहा, दुश्मन जी कुरान नफरत नहीं, कुरान मोहब्बत का दर्द देता है, कुरान इंसानियत का दर्द देता है। और क्या करेंगे, मुसलमानों को कमजोर समझ लिया कि कुरान के खिलाफ तुमने मुकदमा हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया। याद रखिए, कुरान के खिलाफ मुकदमा सुने हम हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे, जो कुरान के खिलाफ बोलेगा उसकी लाश को हम हाईकोर्ट में पहुंचा सकते हैं। ये है मुसलमान खुदा की कसम, मुस्लिम कौम का ये नौजवान अगर बेदार हो जाए दुनिया में इंकलाब करता है। देखो इसमें बेचारे बहुत से लोग जाहिल लोग बैठे हुए हैं। मैं एक वाकया बताता हूँ, अब आप खत्म करो चला दी। एक आदमी बाहर निकल रहा था, बिल्कुल जाहिल, उसके घर में बहुत सारी किताबें रखी थी, कुरान पाक भी रखा हुआ था। बारिश का जमाना था, अचानक धूप निकली, किताबों को दीमक खाई जा रही थी। उसने सोचा कि भाई तमाम आज धूप निकली है, तमाम किताबों को छत पर ले गया ताकि सूख जाए, दीमक खत्म हो जाए, कुरान पाक को भी ले गया। और सब सुन, अचानक बारिश शुरू हो गई, वो बेचारा दौड़ा हुआ है, तमाम किताबों की हिफाजत न कर सका, कुरान पाक को सीने से लगाया, बारिश रोकी नहीं, रुकू की हालत में खड़ा रहा, बारिश खत्म हो गई, खड़ा रहा, रुमाल से साफ किया, सीने से लगाया, इतर लगा दिया, अलमारी कुरान का आदर करो, उलमा का आदर करो, ये मासूम बच्चे जो खैरुल उलूम में पढ़ा है, इनका एहतराम करो, इनकी तारीफ करो। हमारे नबी ने फरमाया, जिसने किसी आलम को देखा उसने मुझे देखा, हमारे नबी ने फरमाया जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, और हमारे नबी ने फरमाया कि जिसने किसी नए तालीम के पीछे नमाज पढ़ी ही बेरोजगार उस नबी के पीछे नमाज पढ़ी। इंशाल्लाह आलम को जगह करोगे ना, कुरान के ऊपर जान की बाजी लगा दो, वो खुद खुशी की शरीफों को भूल जाती है, जो गौर अपनी रिवायत को भूल जाती है, और फकीरे शहर जरा ही सड़क पे भीले पर अमीरे शहर के कमरे में भूल जाती है, और उजाले देते हैं उतने हुए मीनारों को जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। दोस्तों हमारी दरमियान तो भाई हाथ उठाओ चाहिए, कितने लोग कुरान के ऊपर जान की बाजी लगाएंगे। माशाल्लाह देखो भाई,
वो बारह बुलाओगे या भूल जाओगे। अच्छा एक वाक्य बयान करके मैं बात करता हूँ। हमारी माँ बहने भी सुने आप देखो कलर जिला मुजफ्फरनगर में लोग भैंस बहुत पालते हैं। क्या पालते हैं? उनको कहते हैं चौधरी सारा। क्या कहते हैं? एक चौधरी सारा सुबह सवेरे निकले भैंस खरीदने के लिए। तो जैसे ये मस्जिद है और ये मदरसा है, सहन है बना हुआ, हमारे इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद के सहन में टहल रहे थे। देखा गांव का चौधरी मालदार आदमी है तो सलाम किया इमाम साहब। चौधरी ने जवाब दिया, इमाम साहब ने प्यार से पूछा कि चौधरी साहब कहाँ पर जा रहे हैं? कहा बाजार जा रहे हैं भैंस खरीदने के बाद। तो कहा भाई इंशाल्लाह तो कहने हो। चौधरी साहब ने हाथ हो गए अजीब हाल। हर बात में मौलवी का वजीफा है इंशाल्लाह माशाल्लाह या हर वाला या रुपया। अरे बाजार जाएंगे भैंस खरीद के ले आएंगे उसमें इंशाल्लाह माशाल्लाह कहने की क्या जरूरत है? बेचारे हमारे जैसे मौलाना आर्य उसामा साहब सीधे साथ है, वैसे इमाम साहब सीधे साथ है, कुछ नहीं कहा चले गए चौधरी चला गया। तो सुनना बहुत सी भैंस वालों से बात हो गई, दलालों के चक्कर में शाम हो गई। भैंस वालों ने कहा जरा जल्दी करो, ये इलाका बड़ा खतरनाक है। देखो कभी हम लोग सुनते थे गोरू चराई मदारा, वरना मगरिब के बाद अगर जाओगे तो बच के ना आओ। सुनते थे बचपन ही नहीं, लेकिन मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। गोरू चरा हमारे जिला मुजफ्फरनगर में अब ये मशहूर है मगरिब बाद में निकलना, मोरनी के भी कपड़े उतारना। सच्ची बात कहा भाई जरा जल्दी करो चौधरी। अब चौधरी साहब जब जेब में हाथ डालते हैं तो उतने में जेब कट गई। क्या हुआ भाई स्वामी जी का बोला जल्दी कर। चौधरी क्या करता है? जेब कट गए इंशाल्लाह और पैसे में इंशाल्लाह और तो भर गए आपको जाऊंगा इंशाल्लाह। भैंस वालों ने धक्के दिए, आप बड़ा बेवकूफ आदमी है, पैसे वैसे लेके नहीं आया इंशाल्लाह माशाल्लाह कर रहा। धक्के दिए रास्ते को आ रहा था, शाम का वक्त था, वहां गन्ने की पैदावार ज्यादा है। तो चोर को खेत में थे देखा कि लिबास के एतबार से बड़ा मालदार आदमी लगता है, जैसे लगता है कि तोरैया का कोई जो है मालदार आदमी हो और बड़ा आदमी हो, विशेष आदमी हो। गन्ने के खेत से निकले, सर के ऊपर लठ रख लिया और कहा जल्दी निकाल। चौधरी ने कहा जो लठ कर इंशाला और पैसे से इंशाला और भैंस वालों ने धक्के दिए इंशाला, हमें घर को वापस जाऊंगा इंशाला। चोरों ने समझ लिया कि भाई इसके पास पैसे वैसे नहीं है। तो एक चोर ने कहा कि अरे बाबा पैसे अगर नहीं तो क्या हुआ, कम से कम इसकी पिटाई तो हो गई। पिटाई और पिटाई करने के बाद जब तरक से बांध रहा, सर्दी का जमाना था, रात में पड़ा रहा, सुबह को एक मुसाफिर गुजरा पुरैया का नौजवान, देखा पर खेत से रोने की अपराहने की आवाज आ रही है, जंप लगाया चढ़ गया रस्सी से लेकर बेचारा खड़ा हो घर की तरफ चल गया। फजर की नमाज के बाद इमाम साहब मस्जिद के शहर में टहल रहे थे, चौधरी ने देखा इमाम साहब है तो दूर से कहा इंशाल्लाह इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब चौंक गए, आज इंशाल्लाह पहले कहना और सलाम बाद में करना लग रहा था मामला है। इमाम साहब ने पूछा कि चौधरी साहब खैरियत से हैं? कहा खैरियत से इंशाल्लाह, बाजार में गए इंशाल्लाह, भैंस वालों से बात हो गई इंशाल्लाह, उतने में मेरी जेब कट गई इंशाल्लाह,
मैं सवालों में खुद को इंशाला मैं रास्ते को आया था इंशाला चार करोड़ से मुलाकात होगी इंशाला उन्होंने खुद बताया इंशाला मजबूतियों के तरह से बांध दिया इंशाला मैं सर्दी में पड़ा रहा इंशाला सुबह देर को मुसाफिर गुजरा इंशाला उन्होंने बेबसी से आलम में देखा इंशाला मुझे छुड़ाया इंशाला आपकी खिदमत में आ गया इंशाला इमाम साहब को चला ला गया और कहा अगर तुम एक मरतबा इंशाला कह लेता तो हजार मरतबा इंशाला कहने की जरूरत न पड़ता तो बोलो जोर से नमाज पढ़ोगे जल्दी जल्दी बोलो नमाज पढ़ोगे जकात दोगे कुरान की तिलावत करोगे रिजर्वेशन का सामना मदरसे का आवाज करोगे उलमा की तालीम करोगे मेहनत करोगे देखो ये यही तो रास्ता हूं यही रास्ताओं को गौर से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं इंशाल्लाह नमाज वालों के बात वो असल में जवानी जज्बे में होता है कुछ बात सुनता कुछ नहीं सुनता ये तो मैं पेश लेता हूँ हर जगह ऐसा नहीं निकल जाता इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करो उस मदरसे से आवाज करोगे एक बात याद रखना जिन्होंने मदरसे से दुश्मनी की कसम उसके घर में मुझे नालियां फैल कर नहीं हुआ जिन्होंने उत्पादन की तौफीक की मेरा तजर्बा है उसके घर में अगर आज भी पैदा हो गया तो मैं भी पैदा नहीं हुआ इसलिए उस मदरसे से कितने लोग आवाज करने में हाथ उठा था अच्छा भाई देखो अब आखिरी बात देखो ये जुफा में यूं नहीं मानता हूँ बेगू चराय की सरजमीन के बारे में मुझे मालूम बहुत देने वाले और माए बहनों को अल्लाह की राह में बहुत खर्च करती हूँ इसलिए मैं रसूलुल्लाह के घर के लिए मदरसा अयूर उलूम के लिए उस मदरसे में नबी के दीवाने और नबी के मकाने मौजूद हैं मैं सवाल करता हूँ कि कौन है नबी का दीवाना खुदा का शेर मैं रसूलुल्लाह के घर के लिए 1000 से मदरसे से चला रहा लाओ 1000 1000 वाला अभी मैं कुछ रोजगार में गया था 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये कमिया 2.5 लाख रुपये पिछले साल आया था और पानी साहब हमारे मौलाना अब्दुल रहमान साहब हम जी उन्होंने बरकत अता फरमाए इन्होंने अपने दर्शन में बुलाया था और यहाँ के लिए भी उन्होंने फोन किया था और मैं ऐसा मैं कभी 1000 से शुरू नहीं करता 10,000 20,000 से 40,000 से मेरठ को नगर पत्नी चल रहा था मैं 4 भाइयों ने 45 लाख रुपए दिए थे अररिया में 2 साल पहले था नौजवानों ने 35,000 से तकरीबन 30-35 मोबाइल मदरसे के नाम पर दे दिए और इसमें नबी का दीवाना खुदा का शेर कोई हाजी खड़ा हो जाए कोई मुआशर हो कोई मदीना हो कोई नाकार हो कोई गरीब हो कोई हाफिज हो कोई अमीर हो और ये बच्चे जो हाफिज जवान हुए हैं उनके माँ बाप रहा है वो आ जाए रसूलुल्लाह के घर के लिए ये बच्चे उस मदरसे से हाफिज जवान हुए हैं कुरान के नाम पर और कुरान के ऊपर जान करने वाला पेश करने वाला एक हजार रुपये कौन देने वाला था 1000 हमको समझ रहे थे कि 1000 तो इंशाल्लाह कैसे देंगे दुआ का वर्ण है 1000 रुपया अगर कोई देगा मैं मखसूस